Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will discuss exercise of Baji Prabhu and the memorable battle of Gorkhium. Okay, तो इससे पहले मैंने तीन पार्ट बनाए जिसमें मैंने आपको बाजी प्रभु एंड मेमोरेबल बैटल ऑफ घोरकिम ये लेसन सिखाया है. अभी टाइम है एक्सरसाइज सॉल्व करने का, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, द सिद्धि जौहर लेड अ सेज टू पनारगढ़. बी बाजी प्रभु सेंस ऑफ डैश डैश ब्राउड टीयर्स टू शिवाजी आईज. बाजी प्रभु सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्राउड टीयर्स टू शिवाजी आईज. सी गोरखिन बिकेम इमोर्टल इन हिस्ट्री एज पावनखिन. गोरखिन बाद में उसका नाम चेंज कर दिया था, क्या नाम था? पावनखिन. ओके, नेक्स्ट राइट द आंसर इन वन सेंटेंस. तो अभी देखो हम ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बुक में ही लेसन में ही इसके आंसर्स कैसे ढूंढते हैं ये भी आपको साथ में बताते चलूंगी. ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर अलग से टाइप करके नहीं देने वाली आंसर, आपको बुक में ही सर्च करना है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज वॉज सेंट टू सिद्धि जोहर बाय शिवाजी इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द सेज. इसका आंसर पेज नंबर 37 पर है. तो शिवाजी महाराज ने सिद्धि जोहर को क्या मैसेज सेंड किया? ही सेंड ए मैसेज टू सिद्धि जोहर टू अफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट. ओके, तो ये मैसेज शिवाजी महाराज ने सिद्धि जोहर को सेंड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड सिद्धि जोहर बिकेम लिविड विथ रेज. सिद्धि जोहर को क्यों गुस्सा आया? उसका आंसर अभी देखते हैं पेज नंबर 38 पर. व्हेन द सिद्धि लर्न दैट शिवाजी हैड गिवन हिम द स्लिप ही वॉज लिविड विथ रेज. जब उसे पता चला कि शिवाजी महाराज ने उसको थप्पड़ मारा है, मतलब उन्होंने कैद करके रखा था, उससे शिवाजी महाराज निकल चुके थे और जो नकली शिवाजी था शिवा काशी वो उनकी जगह पर वहां पर था. तो इसीलिए सिद्धि जोहर को जब पता चला कि हमें फंसाया गया है तो वो गुस्से से लाल हो चुका था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड शिवाजी से टू बाजी प्रभु व्हाइल लिविंग फॉर विशालगढ़ फोर्ट. शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा जब वो विशालगढ़ की फोर्ट की तरफ जा रहे थे? तो इसका आंसर है पेज नंबर 38 पर. शिवाजी सेड टू बाजी प्रभु वी शॉल मूव अहेड टुवर्ड्स द विशालगढ़ एज सून एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर्ड दैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ अराइवल एज सून एज यू हियर द गन फायर अबैंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट. ओके, तो शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा? हम जल्दी से विशालगढ़ की तरफ चलते हैं और जैसे ही फोर्ट पे पहुंच जाएंगे हम गन फायरिंग करेंगे और ये सिग्नल देगा कि हम सेफली वहां पर पहुंच चुके हैं. जैसे ही तुम्हें गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है पास को छोड़ देना और जल्दी से फोर्ट पर वापस आ जाना. ओके, तो इस तरीके से शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु के बीच में बात हुई थी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 राइट द आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस. मतलब अभी इसके आंसर जो होंगे वो लॉन्ग होंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ए विच प्लान वॉज हिट अपॉन फॉर शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सेज. तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 37 पर. A plan was hit upon to escape from the sage. Two palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji in which he would proceed using a difficult route. The other would be occupied by another person disguised as Shivaji.
दिस पैलेंक्विन वॉज टू लिव बाय द राज डिंडी. दिस अदर पैलेंक्विन वुड बी इजिली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम. वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफिकल्ट रूट. दिस वॉज द प्लान. तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ए का. ओके, तो उनका प्लान क्या था कि हमें दो पैलेंक्विंस रेडी रखने हैं, एक में शिवाजी महाराज बैठेंगे जो डिफिकल्ट रूट से पास हो जाएगा, एंड सेकंड जो पैलेंक्विन है उसमें शिवाजी महाराज की बजाय दूसरा पर्सन बिठाया जाएगा. किसको बिठाया था? शिवा काशिद को. तो वो जो पैलेंक्विन होगी वो राजडिंडी से जाएगी ताकि एनिमी फोर्सेज जो है वो उसे इजिली पकड़ पाएंगे, और जैसे ही वो पकड़ेंगे तो शिवाजी महाराज को पकड़ने का सेलिब्रेशन करेंगे, और इधर शिवाजी महाराज उस डिफिकल्ट रूट से बाहर निकल जाएंगे. तो ये उनका प्लान था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, व्हाट प्रिपरेशन डिड बाजी प्रभु मेक टू हॉल्ट द एनिमी इन द गोडकिन पास. बाजी प्रभु ने क्या प्रिपरेशन की एनिमी को हराने के लिए? पेज नंबर 38. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points. The Maulas took their positions and collected huge boulders and stones to be used as a weapons. इस तरीके से बाजी प्रभु ने अपने जो सैनिक थे उनसे इस तरीके से प्रिपरेशन करवा ली. ठीक है, तो आप जब आंसर लिखोगे तो ही की जगह कौन क्या लिखोगे? बाजी प्रभु का नाम लोगे. ठीक है, बाजी प्रभु टुक अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास. इस तरीके से आपको आंसर राइट डाउन करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, गिव रीजंस. ए, आदिल शाह वॉज थ्रोन इन टू ए फिट ऑफ वाइल्ड रेज. आदिल शाह बहुत ही गुस्सा हो गया था, क्यों? उसका रीजन हम अभी देखेंगे. पेज नंबर 37 पे, शिवाजी कैप्चर्ड द फनारा फोर्ट फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन. दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज. ओके, तो शिवाजी महाराज ने पनारा फोर्ट कैप्चर किया जो कि बीजापुर की गैरिसन में आता था, तो इसी वजह से आदिल शाह गुस्सा हो गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, शिवा काशिद इन सर्विस ऑफ शिवाजी महाराज बिकेम इमॉर्टल. शिवा काशिद शिवाजी महाराज की सर्विस में इमॉर्टल हो चुका था, मतलब अमर हो चुका था, क्यों? वो देखते हैं, उसका आंसर हमें पेज नंबर 38 पर मिलेगा. शिवा काशिद सेक्रीफाइज हीज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज, दस ही बिकेम इमॉर्टल. तो जैसे आपने लेसन में देखा कि शिवा काशिद जो है वो उसने खुद को शिवाजी महाराज की जगह पर उस पैलेंक्विन में वो बैठा था, और एक तरीके से उसने अपनी लाइफ क्या की, सेक्रीफाइज की. क्यों सेक्रीफाइस की? तो शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज्य के लिए, इसलिए वो इमॉर्टल हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, पावन खिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री. वो भी पावन खिंड जो है वो भी हिस्ट्री में अजरामर हुई है, क्यों? वो देखते हैं. पेज नंबर 40 पर, Because of brave patriots like Baji Prabhu, that Swaraj was won. Their blood made the Gorkhin a place holy in Swaraj. Therefore, Gorkhin became immortal in history as a Pawan Khin. Okay? तो जो देशभक्त थे जैसे कि बाजी प्रभु, तो गोरखिन पास जो थी वहां पर बैटल हुआ, और वहां पर जो बाजी प्रभु है उनकी वहां पर डेथ हो चुकी थी, तो इसी वजह से उनके रक्त से वो गोरखिन पास एक पवित्र स्थान बन चुका था,
इसलिए उस घोरकिन पास जो है मतलब उसे बाद में पावनखिन नाम से जाना गया और वो इमोर्टल बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द पर्सन। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर पर्सन के नाम बताऊंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दी है और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से पर्सन होंगे। फर्स्ट, ब्रेव एंड एट वॉज क्रूएल। कौन था? जो शूरवीर था मगर वैसे ही क्रूएल भी था, तो ये था सिद्धि जोहार। बी, गेव मोस्ट गैलेंट फाइट एट द गोरखिन पास। गोरखिन पास में बहुत ही बड़ी फाइट, गैलेंट फाइट किसने दी? बाजी प्रभु। नेक्स्ट, सी, एस्केप फ्रॉम द सेज। जो सेज बनाया था फनागढ़ फोर्ट पर, वहां से कौन एस्केप हुआ था? शिवाजी। एस्केप फ्रॉम द सेज, शिवाजी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व की है। अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, द डिसकम्फिचर ऑफ शाहिस्ते खान। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप भी सब्सक्राइब करो और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करो, जिसकी वजह से मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।